बहुत सारे एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट की वजह से म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे लोगों की ऐसा गलत फहमी है कि म्यूचुअल फंड करीबन 15 से 25% एनुअल रिटर्न देते हैं, लॉन्ग टर्म में देते हैं। तो इस चीज के जवाब देते हुए मेरे दोस्त श्री सतीश मंजूरे साहब ने बड़े खूबसूरत से एक इलस्ट्रेशन बनाया था जो एब्सोल्यूटली रियलिस्टिक है। आप अगर देखेंगे यहां पर करीबन 20 साल का टर्म का ये आदमी ने सालाना 1 लाख रुपए निवेश किया, यानी साल भर 1 लाख मार्केट में चल रहा था। पहला साल समझिए 15% फायदा हुआ, यानी 15,000 फायदा हुआ, यानी साल खत्म होते होते 1,15,000 हो गए। दूसरे साल 1 लाख और एड कर दिया गया, 2,15,000 हो गया। ये टोटल 2,15,000 के ऊपर 20% का फायदा हुआ, 43,000 यानी 258 हो गया। तीसरे साल भी आपने 1 लाख और ऐड किया यानी 358, उसमें 25% फायदा हुआ। पैसा चौथे साल वापस 1 लाख ऐड किया गया। पांचवें साल हमने देखा इक्विटी में कभी कभी माइनस होता है, तो पांचवें साल हमने माइनस किया, वापस छठे साल प्लस किया, सातवां साल प्लस किया, आठवां नौवां अगर देखेंगे प्लस किया, दसवां साल माइनस किया, 11, 12, 13, 14 प्लस किया, 15वां माइनस किया, 16, 17, 18, 19 प्लस किया और 20वां साल माइनस किया, तो टोटल नेट यील्ड आता है 8.27%। ये 20 साल के टर्म में 16 बार प्लस और 4 बार माइनस है, तो नेट यील्ड है 8.27%। 15 बार प्लस और 5 बार माइनस होता तो ये 6% हो गया होता, और 14 बार प्लस और 6 बार माइनस हो गया होता ये सीधा 4% आ गया होता। पिछले 20 साल में मार्केट कम से कम 10 बार माइनस किया गया है, जिसका मतलब है म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में 15% किया, 10% किया, 6% भी एक्चुअल में रिटर्न पाना नामुमकिन है। बैंक में तो बगैर कुछ रिस्क 6% डायरेक्टली दिया जा रहा है, इंश्योरेंस में तो बगैर कोई रिस्क आपको रिस्क कवर के साथ साथ 7% इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो व्हाई म्यूचुअल फंड ये सही नहीं है?